तो फाइनली गाइस देख सकते हैं मेरे पास महा का बाइक आ गया है और वो तो फाइनली यूट्यूब से ये मेरा पहला बाइक है। इसमें देखिए वाईफाई भी लगा हुआ है, इस पर दिखा दीजिए थोड़ा सा। इसमें वाईफाई भी लगा हुआ है। आप वाईफाई सोच रहे हैं भाई इतना गरीब फैमिली से भैया होके और ये R15 कहाँ से लेके आया। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, बता दो कि भैया एक सरप्राइज़ आप सबके लिए है और आज बहुत ही खुशी की बात है कि भाई क्या है खुशी की बात, आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए चल के दिखाते हैं, अभी हम तो स्कूल पे हैं, स्कूल पे ही वो सरप्राइज़ चला आई है खुद चल के आई। तो चलिए चल के दिखाते हैं क्या सरप्राइज़ है फाइनली मेरा, जो आप गेस कीजिए क्या चीज़ हो सकता है। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चलिए चल के दिखाते हैं क्या चीज़ है नहीं है, आप लोग लास्ट तक बने रहें। और चलिए देखिए फाइनली गाइस ये क्या है भाई, देख लो एक बार देख लो भाई, जितने विरोधी थे जलने वाले जलते रह गए और मेरा टारगेट पूरा हो गया भाई। देख लो फाइनली भाई R15 version 4.0 का भाई आ गई मेरे पास। और देख सकते हैं भाई, अरे भाई आप लोग सोच रहे हैं भाई इतना गरीब फैमिली से भैया होके और ये R15 कहाँ से लेके आया और किसका है नहीं है, आप सबको भी बताएंगे वीडियो में। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सबसे पहले इसका बता देंगे भाई क्या है, कितना एवरेज देता है, क्या करता है नहीं करता है, क्या करता है सभी वीडियो में आप सबको बताएंगे। और भाई गाड़ी नंबर कहाँ की है और किस कंपनी के हैं आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में देखिए, सबसे पहले भैया ये यामाहा का बाइक है और भैया BR06DL 1167 गाड़ी नंबर है। और भैया देखिए लोगो, भैया हमको बहुत ही अच्छा लगा लोगो। और ये देखिए बैकग्राउंड से कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है भाई, बहुत ही अच्छा बाइक है। और इसका स्पीड भैया देखिएगा, एक बार जो है ना एक बार दाबिए देखिए, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। और R15 का न्यू वर्जन है 4.0, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया 4.0, R15 का 4.0 बाइक है। और देखिए काफ़ी भैया इसमें डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है बैक में। और इस देखिए आगे वाला गाड़ी में भैया डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो फाइनली यूट्यूब से ये मेरा पहला बाइक है, ये आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन ये मेरा पहला बाइक नहीं है, ये देखिए राम बाबू जी है और इनका बाइक है। हाय। और इनका भी एक चैनल है, क्या चैनल है आपका? राम बाबू दिलदार से इनका चैनल है, यूट्यूब पर भी है काफ़ी भैया, इनका भी सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ है, 3-4 हज़ार के करीब में इनका सब्सक्राइबर होगा। आप लोग जाके देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और बता दूँ कि भैया ये बाइक आप लोग देख रहे हैं, बाइक मेरा बाइक नहीं है, ये इनका बाइक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा भी चैनल का, ताकि ऐसा मेरा सपना है ये करके पूरा कर सके। और YouTube का पहला सैलरी या दूसरा सैलरी से ये बाइक तो नहीं हो सकती है। और आप सब सपोर्ट अगर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आप लोग फेसबुक से देख रहे होंगे तो फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज को। और आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया मेरा एक सपना है भैया, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग पूरा कीजिएगा। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भैया यह अच्छा लग रहा है देखने में बाइक भी, और थोड़ा देखते हैं चला के कैसा लगता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और भैया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी व्यूज जाए, सब्सक्राइब होके और वॉच टाइम पूरा होके, ताकि ऐसा मेरा भी बाइक हो सके और मेरा एक सपना है ये पूरा हो सके। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चला के देखते हैं कैसा लगता है। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे। देख सकते हैं भाई बहुत ही भैया अच्छा बाइक लगा हमको। और बता दूं कि भैया थोड़ा सा इधर लेके आइए, और बता दूं कि भैया इसका एक्सीलेटर जो है ना, देख सकते हैं काफ़ी भैया आवाज़ कर रहा है। देख
पे काफ़ी ये आवाज़ भी कर रहा है, और अगर रास्ता में अगर चलिएगा आप कहीं भी अगर गांव में जाइएगा तो देखते रह जाता है भाई। बाइक अगर लेके चल जाइएगा गांव में, चाहे कहीं भी शहर में लेके चल जाइए, शहर में तो नॉर्मल बात है, लेकिन गांव में अगर आप रहते हैं, अगर गांव में ऐसा बाइक अगर लेके चल जाते हैं तो काफ़ी भैया आपको देखने से ज़्यादा बाइक को देखेगा। और बाइक की क्वालिटी यही है कि इसमें देखिए वाईफाई भी लगा हुआ है, इस पर दिखा दीजिए थोड़ा सा, इसमें वाईफाई भी लगा हुआ है, आप वाईफाई से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चला के भैया बहुत ही अच्छा लगा हमको, और यह बाइक ज़्यादा तेल नहीं पीता है, 40 का एवरेज देता है। आप लोग भी जानते हो कि अगर बाइक अगर R15 का चलाते हैं तो 40 का एवरेज देता है, और चलाने में पूरा चाप के चलता है। अगर आप चलाए होंगे तो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर नहीं चलाए होंगे तो एक बार चला के देखिएगा, काफ़ी भैया अच्छा लगेगा। और बाइक तो हमको बहुत पसंद आया, तो आप लोग से निवेदन है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि ताकि हम ऐसा भी ले सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्त।